सोलन के बाईपास पर कई फीट गहरा गड्ढा किया गया है। ये गड्ढा परमाणु सोलन फोरलेन में जुटी कंपनी ग्रेल द्वारा करवाया जा रहा है। इस गड्ढे से शिमला को जाने वाली गाड़ियां आ जा सकेंगी। इस बात की जानकारी ग्रेल कंपनी के प्रोजेक्ट हेड बलविंदर सिंह ने मीडिया को दी। उन्होंने बताया कि इस स्थान पर बॉक्स नुमा टनल बनेगी जो बेहद छोटी होगी और उसके ऊपर से सोलन से आने जाने वाले वाहन चलेंगे। उन्होंने बताया कि फोरलेन में इस टनल को बनाने में उन्हें भारी मशक्कत करनी पड़ रही है क्योंकि इस करीबन सड़क से 60 फीट नीचे खोदा जा रहा है जिसके कारण साथ लगती पहाड़ी खिसकने लग गई है। इसकी रोकथाम भी की जा रही है। उन्होंने बताया कि ये बॉक्स नुमा अंडर और ओवरपास जल्द ही बनकर तैयार हो जाएगा। ग्रिल कंपनी के प्रोजेक्ट हेड बलविंदर सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि सोलन बाईपास पर स्थित अंडर और ओवर पास मार्च तक बनकर तैयार हो जाएगा। ये कार्य निश्चित समय में पूरा हो इसके लिए करीबन 50 कर्मचारी दिन के 24 घंटे कार्य कर रहे हैं। काम को युद्ध स्तर पर करने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इस निर्माण कार्य पर करीबन 17 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। वहीं उन्होंने बताया कि शिमला से आने जाने वाले वाहन बॉक्स नुमा टनल से गुजरेंगे, वहीं सोलन आने जाने वाले वाहन सब्वे से होकर शहर के अंदर प्रविष्ट कर पाएंगे। इसीलिए ये पूरा फैसिलेट कर रहे हैं, पूरी ये सोलन सिटी है ना, जो इसके लिए हम पूरा ओवरपास बना के देंगे और ये 17-18 मीटर डाउन करके जो सोलन और ये शिमला की ट्रैफिक है और चंडीगढ़ को जाएगी वो पूरी अंदर से ही जाएगी और जो आपकी जो मेन सोलन की सिटी की ट्रैफिक है वो पूरा ऊपर सर्विस रोड को कवर करते हुए निकल जाएगी कि आपको ऊपर की ट्रैफिक को और नीचे की ट्रैफिक को कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगी। इसमें 6 या 7 महीने लगे, मार्च तक हम इसको पूरा कंप्लीट करके दे देंगे, पूरा ओवरऑल कंप्लीशन सर्विस की। लगभग इसमें यानी कि कितना खर्चा आ रहा है, क्या प्रोजेक्ट कॉस्ट इसकी जो लग रही है? सर प्रोजेक्ट कॉस्ट हमारी 16-17 करोड़ के करीब आएगी सर, पूरा ओवरऑल कंप्लीशन लेके इसकी 17 करोड़ कंप्लीशन इसकी देर हुआ है। क्योंकि इसमें काफ़ी विलंब भी है, देर भी लग रही है, क्या कारण मानते हैं? देर तो सर इसीलिए लगी कि हमारे को थोड़ा NHA वो लैंड के थोड़े इशूज़ थे, यहाँ पे ऊपर की तरफ लैंड जो थे जजिस के घर वगैरह थे वो थोड़े अभी उन्होंने हटाए हैं यहाँ से, तब जाके हमारे को काम चालू कर देंगे। तो लगभग कितने घंटे यहाँ पर अभी काम किया जाता है? काम तो हमारा 24 आवर्स चालू है सर, यहाँ काम हमारा 24 आवर्स है, एक्सकेवेशन हमारा 24 आवर्स चालू है और मेरे लड़के भी आप देखा होगा पूरे 24 आवर्स चालू काम किया। इसमें क्या विशेषता रहेगी, क्या खूबी रहेगी, जैसे अट्रैक्शन भी नज़र आएगी? विशेषता सर यही है कि आपको पूरी फैसिलिटी की डिस्टर्बेंस नहीं रहेगी, चौंक नहीं होगा एक यहाँ पे, जो भी मेन ट्रैफिक है वो नीचे से ही चली जाएगी और जो ऊपर सोलन सिटी का है उसको भी किसी चीज़ की डिस्टर्बेंस वो नीचे अपने ऊपर से ही कवर जाएगी ट्रैफिक सर। जैसे अगर इसकी शेप कहें तो शेप किस तरह की नज़र आएगी, कैसे, जैसे ऊपर अभी इसमें क्या कवर होगा इसको? ये एक बॉक्स टाइप टनल टाइप का बनेगा, बॉक्स बनेगा सर ये, इसको ओवरपास बोलते हैं। ठीक है, जो मेन ट्रैफिक है उसके लिए ओवरपास है, जो आपकी जो सोलन सिटी की ट्रैफिक है उसके लिए अंडरपास है। ये ओवरपास अगर जाके और इसका एक बॉक्स टाइप का बनेगा सर, ये इधर दोनों तरफ से इसकी लुक बनेगी सर, इसका इस तरफ से भी रैंप है, उधर सर आपको उससे रोड से मिल जाएगा जो नीचे वाला रोड है वहाँ पे। तो इसमें जो टनल है लगभग कितने मीटर की होगी? टनल नहीं, टनल इसको बॉक्स बनेंगे, इसका 12 मीटर का ही होगा सर स्पैन, वो 12 मीटर बाई 22 मीटर का, बाकी उसके बाद इसकी RCC रिटेनिंग वाला सर और ये 120 मीटर का पूरा रैंप बनेगा सर यहाँ। तो ये इस तरह का जो पहली बार बन रहा है इस वाले रोड पर? हाँ, इस पे पहली बार बन रहा है यहाँ पे, ये पूरे अपने शिमला रोड पे ये पहला ही स्ट्रक्चर ऐसा बन रहा है जहाँ पे अंडर से लेके चले जाएंगे इसको सर। जैसे अभी दिन रात इसमें काम चल रहा है, कितने लोग इसमें काम करते हैं सर? फिलहाल तो अभी 55 आदमी करीब काम कर रहे हैं अभी, उसके बाद फिर अभी और इंक्रीज करेंगे। जैसे कि ये इसमें 4 स्टेज हैं सर, 4 स्टेज में हम इसको पूरा कंप्लीशन करेंगे। फर्स्ट स्टेज ये है कि अपन रिटेनिंग वॉल बना के इसको सर्विस रोड पहले प्रोवाइड करा देंगे, तो उसके लिए अभी लेबर, क्योंकि लेबर एक्स्ट्रा लगा के अभी कोई फायदा नहीं क्योंकि जब तक बॉक्स चालू नहीं होगा। तो सेकंड फेज में जब बॉक्स चालू हो जाएगा तो इसमें 100-150 लेबर दिन रात काम करेगी यहाँ पे। जैसे अगर कोविड का बोले कि संकट चल रहा है तो कोविड संकट का भी इस पर असर देखा जा रहा है? कोविड संकट का पहले असर था, अभी तो सर कंटिन्यूटी होगी, आपको पता ही है सर कि अभी कंटिन्यूटी आ गई, लेबर भी आनी अभी स्टार्ट हो गई है, तो इसलिए अब फ़र्क नहीं पड़ेगा, पहले तो बहुत था सर। फिर भी हम सोशल डिस्टेंसिंग का रख के इसको करा रहे हैं सर कि लेबर को थोड़ा सा अलग अलग ही रख रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे लेबर 10-15 लगाई, कुछ सरिया लेने चली गई, कुछ और दूसरा काम कर रही है, कि हम उनको थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग भी मेंटेन करके ये काम करवा रहे हैं।